दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी के अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज मैं आपको लिए चलता हूं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की ओर। दोस्तों कल शाम को 7 बजे मैंने वाराणसी से खजुराहो के लिए गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रेन रात भर चलने के बाद में अगली सुबह 6 बजे खजुराहो पहुँचने वाली थी। रास्ते भर में बड़ी उत्कंठा जगी थी और बहुत पहले से मैं ये सोच रहा था कि मुझे खजुराहो के मंदिर, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों को देखना है। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है, जो कि दक्षिणी समूह, पश्चिमी समूह और पूर्वी समूह के रूप में जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने निर्माण करवाया था। दोस्तों हमारी ट्रेन पूरी गति से खजुराहो के ओर बढ़ी चली जा रही थी और सुबह के 6 बजे सांस्कृतिक नगरी खजुराहो हमारी ट्रेन पहुंच गई। तो दोस्तों ट्रेन से उतरने के बाद हम स्टेशन से बाहर निकले और एक जगह लिखा हुआ पाया, सांस्कृतिक नगरी खजुराहो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये देखिए स्टेशन का व्यू। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और यहाँ से सवारी लेते हैं मंदिर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा साधन यहाँ मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ से इतनी दूर है, पूछते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? खजुराहो जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? खजुराहो? आप हैं मंदिर, एक मंदिर जाना है कि सभी मंदिर? नहीं नहीं, एक जहाँ से शुरू होता है। अच्छा हाँ, वहाँ पे तो कैसे चलते हैं? शेयर पे चलते हैं ना? क्या यार तू? शेयर में नहीं चलते, बुकिंग पे चलते। मैं आया हूँ बनारस से, भदोही से। अब वैसे भी मैं थोड़ा लेट हो गया, तो नहीं तो जो शेयर है सबसे में शेयर करना है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी। दोस्तों ये है खजुराहो एयरपोर्ट। अपने यहाँ मुस्लिम भाषा पूछा था। हाँ हाँ और अच्छे अपने पूरे हिंदुस्तान के, हाँ जितने अपने हिंदू धर्म के मंदिर हैं, हाँ सभी को उसने मतलब खंडन किया था। हाँ क्योंकि वो 200 वर्ष शासक रहा है यहाँ। हाँ हाँ इसकी पूजा नहीं होती है। हाँ और ये दादा चंदेलों ने बनवाए थे टेम्पल। हाँ हाँ ये आज 1300 वर्ष पुराने टेम्पल है। हाँ एक टेम्पल में 300 साल लगे थे बनने में। हाँ 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 ठीक है सर। अपने यहाँ अब आप कहेंगे कि खाना सूत्रा क्या बोले बताएंगे। हाँ जब अपने यहाँ पर राजा महाराजा का राज चलता था, हाँ तो अपन लोगों माना बच्चा पैदा हुए। हाँ अच्छा हर बच्चा का भी, हाँ उनकी लड़ाई चल रही है। अब तुम कर गए आज चलो घर राज करके बिना से दो दो बात की जाएगा। हाँ तो आप अपने हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म, हाँ
कैसे फोन में करेंगे, कैसे मरवाएंगे। सही बात। इसलिए सर राजा ने पूछा कि हमारी जनता क्यों कम हो रही। हाँ, इसलिए कि मंदिर मरवाए फिर वो कामा सूत्रा के पहले बहुत बार में काम करते हैं। हाँ हाँ, जब वो जाएंगे और देखेंगे। हाँ, देखिए देखने का आप किसी आए यहाँ देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, जब देखेंगे तो उस चीज को करेंगे। सही बात। रोज रोज देखेंगे तो उससे आपकी इच्छाएं भी जागृत होगी। हाँ, जब इच्छा जागृत होगी तो आप इस प्रकार का काम करेंगे तो उससे आपको बच्चा पैदा होंगे। हाँ, इसलिए बनवाए चुके लगता है। नहीं, टिकट टिकट नहीं लगता है, मैं बता दूं, मैं जाना नहीं। यह है खजुराहो के दक्षिणी समूह का मंदिर चतुर्भुज मंदिर, जो कि खजुराहो के जटकारा गांव के करीब में बना हुआ है। तो दोस्तों, यह है शिव का चतुर्भुज मंदिर, खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर। इस प्रतिमा में शिव को त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर अद्भुत कलाकृति है ये भगवान की, और मूर्तियों को जगह जगह से खंडित भी किया गया है। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है दक्षिणी मंदिर समूह का ये हिस्सा है, या दक्षिण मंदिर समूह है, और ये इस भाग में बहुत से मंदिर है भगवान शिव से संबंधित और भगवान विष्णु से संबंधित मंदिर है ये। तो दोस्तों, इस मंदिर की लगभग जो भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, आप ईश्वर की लगभग सभी मूर्तियों को खंडित किया गया है। दोस्तों, ये है दक्षिणी समूह का दूसरा मंदिर, दुल्हा देव मंदिर। इसे शिव मंदिर भी कहते हैं और कुंवर मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको पहले यहाँ का खूबसूरत गार्डन, दुल्हा देव मंदिर के प्रांगण में जो बना है। इस प्रांगण का जो मंदिर, देखिए कितना सुंदर गार्डन है, और ये पीपल का पेड़ बहुत ही विशाल। तो किसी टेंपल में जो है बिजली नहीं होती है, कि किसी टेंपल में जो है बिजली, तो मतलब ज़्यादातर जो ऊपर के जो भाग छत हैं वो बिजली के गिरने की वजह से छत हैं। ऊपर जो है पार्वती हैं शिव जी की, और सबसे ऊपर जो है लक्ष्मी हैं विष्णु भगवान की, क्योंकि देखिए गदा लिए हुए हैं, बीच वाली जो है त्रिशूल लिए हुए हैं। इस मंदिर की, इन कलाकृतियों की यही विशेषता है, इतनी बड़ी विशेषता है कि आप देखेंगे लेकिन आपका जो अंतःकरण है ना, वह पवित्र ही रहेगा, कहीं कोई बात नहीं आएगी। एक पवित्रता का और अलग ही आध्यात्म की अनुभूति होती है। तो हम पहुंचने वाले हैं भगवान शांतिनाथ आजनाथ टेम्पल। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं पूर्वी समूह मंदिर की ओर। दोस्तों, ये है खजुराहो का जैन टेम्पल, कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए श्री दिगंबर, श्री 1008 श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र खजुराहो, जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, समय पर काम तो ये मंदिर है दिगंबर जैन अक्षय। तो मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र संबंधित समेत खजुराहो। देखिए किस तरह से छत विकृत किया गया है। एकदम से पूर्वाभिमुख मंदिर है और रोशनी सूर्य की सीधे मंदिर के पास आती है। तो दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में आजनाथ की प्रतिमा स्थापित होने के कारण जय मंदिर के नाम से जाना जाता है।
अब कौन से मंदिर चल रहे हैं? अब बामन टेम्पल चल रहा है, विष्णु भगवान का पांचवा अवतार दशपाल। अच्छा, ये कौन सा समूह है? दक्षिण समूह, पूर्वी समूह? अच्छा, पूर्वी समूह। तो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं पूर्वी समूह में स्थित मंदिर वामन मंदिर की ओर। यह है खजुराहो का प्रसिद्ध वामन मंदिर। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बताते हैं वामन मंदिर के विषय में क्या लिखा है। यह मंदिर विष्णु भगवान के वामन अवतार को समर्पित है। तो दोस्तों, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम। तो दोस्तों, दक्षिणी समूह मंदिर और पूर्वी समूह मंदिरों को देखने के बाद अब हम चल पड़े पश्चिमी समूह मंदिरों की ओर। तो दोस्तों, ये है श्री श्री 108 श्री श्री मतंगेश्वर महादेव द्वार नगर परिषद खजुराहो। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यह क्षेत्र प्राचीन समय में वत्स के नाम से, मध्यकाल में जेजाग भुक्त के नाम से तथा 14वीं सदी के पश्चात बुंदेलखंड के नाम से विख्यात हुआ था। खजुराहो के चंदेल वंश का उत्थान 10वीं सदी के प्रारंभ से माना जाता है। तो दोस्तों, ये है खजुराहो का प्रमुख पश्चिमी समूह मंदिर, जहाँ पर आप देखेंगे 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। एक बात और मेरे समझ में आई है, मैंने जितने जहाँ जहाँ देखा है, आप चाहे 50 चाहे 950 साल की मूर्ति देख लें, चाहे 12वीं सदी की देख लें, मूर्ति की जो कलाकृति है, कहीं भी उसके एक बिंदु में भी जरा सा परिवर्तन नहीं है। आदमी तमाम रहे होंगे, एक ही नहीं, लेकिन जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति ने बनाया है, एक ही व्यक्ति ने बना है, ऐसा जाना है। कहीं ऐसा नहीं है कि एक बिंदु का भी अंतर हो, एक बिंदु का भी अंतर नहीं नजर आता। जैसे जो लिखावट है, हाँ, काका काका हम लोग सुनते हैं, हमारे पिताजी भी, वो भी तो चल रहा है, वैसे तो बिजी हो गया, चलती रहती है। जैसे 1000 साल पहले, हाँ, लेकिन ये तो किशन बता रहे हैं, डब्लू जैसा दिख रहा, उल्टा डब्लू एम के आकार का। प्राथमिकता दो, जो लोग इसके माध्यम से रोजगार से जुड़े हैं उनके लिए सरकार काम करे, प्रशासन काम करे, और जो इसका मूल तत्व है, जो इसके संरक्षण के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, वो सबसे प्रमुख में होना चाहिए, वो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, इस पश्चिमी समूह मंदिर के सभी मंदिरों में देवी देवताओं के साथ साथ मिथुन मूर्तियों को भी बनाया गया है। और सबसे पहले पढ़ते हैं कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, यह है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जिनकी खजुराहो में केवल इन्हीं बाबा की पूजा होती है, जिनका शिवलिंग 9 फीट ऊपर और 9 फीट नीचे है। मंदिर स्वयंभू है और ये मतंगेश्वर महादेव जहाँ से पूजा होती है, खजुराहो के जितने भी मंदिर है इसमें पूजा नहीं होती, यही पूजा होती है, शिवलिंग स्वयंभू है। अच्छा, तो दोस्तों,
ये है खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो स्थापना है वह यहाँ के राजा चंद्रवर्धन राजा जी ने किया था, जो कि बुंदेलखंड के महाराजा थे। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 85 यज्ञ वेदियों पर 85 मंदिरों का निर्माण किया था और जिसमें से अभी शेष 25 हैं। भाई इस तालाब का क्या नाम है? शिव सागर। अच्छा अच्छा दोस्तों इस तालाब का नाम है शिव सागर और बहुत बड़ा चौड़ा है ये खजुराहो का तालाब, बहुत ही विशाल है, बड़ा है। दोस्तों YouTube पर मेरे लोकगीत के चैनल आवाहन रामलाल को एक बार ज़रूर सुने। दोस्तों फिर मिलूँगा मैं आप सभी से खजुराहो की एक नई श्रृंखला को लेकर के। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।